सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पंचायत राज आम चुनाव 2020 की घोषणा करनी है होनी है और राज्य निर्वाचन आयुक्त पीसी मेहरा ने इसकी घोषणा कर दी है। तीन चरणों में ये चुनाव संपन्न होंगे। पहले चरण में 3691 पंचायतों में चुनाव होंगे। ये सीधी तस्वीरें इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। सभी से निवेदन है कि वो शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने में पूरा पूरा सहयोग करें। प्रदेश में उसके लिए चुनाव पंचायत समिति शहरी क्षेत्रों में रहेगी या ग्रामीण क्षेत्रों में? शहर में चुनाव नहीं है तो आचार संहिता नहीं होगी। पंचायत समिति जिला लेकिन उस सेंस में है कि अगर शहर में कर्मचारी हैं और कर्मचारियों को लेना है अपने पार्टीज बनाने में तो वो प्रतिबंध रहेगा। और जहाँ पे उपसंसद का चुनाव खत्म हो जाएगा वहाँ पे फिर आचार संहिता हट जाएगी? क्या कह रहे हो? यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उपसंसद के चुनाव के बाद, वहाँ पे आचार संहिता खत्म हो जाएगी या फिर आखिर तक रहेगी लास्ट फेज तक? नहीं, लास्ट फेज तक, क्योंकि उनका चुनाव ही घोषित हो गया और ये पार्टी बेसिस पे है नहीं। सर जिला परिषद और अब उसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि अभी जो चल रहा है तय नहीं है। फर्स्ट फेज वाले में तो हो गया था ना क्या 48 पंचायत समिति बना दी? नहीं कुछ भी हो हम अलग से निर्णय लेंगे, अभी कार्यक्रम यही है। सेकंड फेज में 14 तारीख का भी, 14 जनवरी का भी प्रोग्राम बनाया है। 14 तारीख को मकर संक्रांति का त्यौहार है, अभी तो कार्यक्रम यही है। चरण में जिलेवार भी है क्या? हाँ सर, ये बता दीजिए किसके जिले में कब को होगा। वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, आपको वो सूचना हम पूरी दे देंगे। आपकी कंज्यूमशन के लिए वो पूरी सूचना दे देंगे, क्योंकि वो लंबी चौड़ी की है, उसको बताने में समय लगेगा। ऐसा पहली बार ही होगा पंचायत समिति जिला परिषद ग्राम पंचायत? ऐसा है, डेडलाइन तो मीट आउट करने आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि 5 साल पूरे होने से पहले चुनाव तो कराने हैं। तो हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं उसमें जिसमें हम चुनाव करा सकते हैं उनको, उनके लिए चुनाव हमने निर्णय ले लिया है। जी हाँ, एक बात आपने आपकी मंशा थी कि आप पूरे सब बंच और सरपंच ईवीएम से करवाएंगे, जिसके लिए आपने 15 करोड़ रुपए फिनांस डिपार्टमेंट से लिया, 19 करोड़ रुपए फिनांस डिपार्टमेंट ने आपको दिया कि आप ईवीएम खरीदो कि हर जगह पे ईवीएम से हो, तो फिर आप बैलेट बैग से बॉक्स क्यों करवा रहे हैं? आपकी तो मंशा थी कि हर जगह आप ईवीएम से करवाएंगे, तो क्या हो गया आप अभी ईवीएम से क्यों नहीं करा रहे हर पंच और सरपंच का मिला के? ठीक है, और आपने अभी तक कितना ईवीएम आपके पास आया है दूसरे स्टेट से, जो 3 स्टेट से आपने लिया है वो एक बार में आप सारी चीजें पूछ लो, फिर मैं उसका एक कंपोजिट जवाब दे देता हूँ। हाँ, हो गया सर, हो गया। दो चीजें अलग अलग हैं। हमने बहुत पहले, मैं किसी के खिलाफ ये बात कहना नहीं चाहता ना किसी को ये टिप्पणी करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत पहले ईवीएम खरीदने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, जिसका बजट प्रावधान भी बजट में उपलब्ध है, लेकिन किन्हीं वजह से सरकार द्वारा उसमें जो स्वीकृति दी है वो बहुत देरी से हमें प्राप्त हुई है, और जिस बजट का और जिस खरीद का आपने हवाला दिया है उसके आदेश हम अब दे पाए। तो पंचायत राज आम चुनाव 2020 की घोषणा यहां पर की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीसी मेहरा ने ये घोषणा की है। तीन चरणों में ये चुनाव संपन्न होंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में 3691 पंचायतों में चुनाव होने हैं। 7 जनवरी को लोक सूचना इसको लेकर जारी होगी, वहीं 8 जनवरी को नामांकन दाखिल करने की तारीख है। 17 जनवरी को पहले चरण का मतदान होना है। 17 जनवरी को मतगणना पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि तीन चरणों में
ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। 17, 22 और 29 जनवरी को मतदान होना है। 18, 23 और 30 जनवरी को उप सरपंच का चुनाव होगा। वहीं पंचायत राज आम चुनाव की घोषणा कर दी गई है और इसी के साथ जिन पंचायतों में चुनाव होने हैं आदर्श आचार संहिता भी वहां लागू हो चुकी है। 3 चरणों में ये चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी।